मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में लगातार हो रही दुष्कर्म और अपराध की घटनाओं के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सीएम का पुतला फूंका। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी। डाक सेवाएं ठप रहने से आम लोगों को बढ़ रही परेशानी। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को लेकर दो दिनों की बंदी के बाद शुक्रवार को खुले बैंक। बैंकों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़ से वरिष्ठ नागरिकों को झेलनी पड़ी परेशानी। गायघाट थाना क्षेत्र के चक्की गांव में छापामारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद की 15 लाख की विदेशी शराब। और SKMCH में डायरिया पीड़ित बच्ची की हुई मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार हो रही दुष्कर्म और आपराधिक घटनाओं के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। हेवसपुर नरसंहार के आरोपितों की बरी किए जाने, जिले में लगातार घट रही दुष्कर्म की घटनाओं एवं मोतीपुर में दुष्कर्मी की गिरफ्तारी के मामले को लेकर दलितों का घर जलाए जाने के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से मुख्यमंत्री के पुतले के साथ जुलूस निकाला और कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और सभा की। इस अवसर पर भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार के प्रति सरकार संवेदनहीन हो गई है और सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सकरा की 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है। मोतीपुर में बलात्कार की घटना घटी। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्माद उत्पाद फैलाने वाले लोग पुलिस के संरक्षण में सामने आ गए। राघोपुर दियारा में 10 महादलित परिवार के घरों में आग लगा दी गई। 1997 के हेवसपुर नरसंहार, जिसमें 10 मुसहर परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी, निचली अदालत से सजा मिली लेकिन ऊपरी अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के राज में पूरे बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीब वर्ग के लोगों पर हमले बढ़े हैं। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर वृद्धाओं तक बलात्कार की शिकार हो रही हैं। पूरे बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार हत्यारों बलात्कारियों के समर्थन और संरक्षण का काम कर रहे हैं। लगातार पुलिस साक्ष्य देने में विफल हो रही है, ये हाई कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। हम आज इस पुतला दहन के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए ये कहना चाहते हैं कि सरकार गरीबों, दलितों, महादलितों और तमाम कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा दे। हेवसपुर नरसंहार से लेकर के बिहार में जितने भी नरसंहार हुए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में विफल रहते सरकार पुलिस को कड़ी कार्रवाई की सीख दे। नवरूना कांड मामले में गिरफ्तार विमल अग्रवाल और अभय गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई अदालत ने बिना कोई निर्णय दिए सुनवाई की तिथि 8 जून निर्धारित कर दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नवरूना मामले में जेल में बंद अभय गुप्ता और विमल अग्रवाल द्वारा दिए गए जमानत अर्जी पर तीनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिना कोई फैसला सुनाए सुनवाई की अगली तिथि 8 जून निर्धारित कर दी है। आज अभय गुप्ता और विमल अग्रवाल की ओर से विद्वान सत्र न्यायाधीश में जमानत याचिका पर बहस हुई हम लोगों के द्वारा और जो दूसरे सेट के वकील साहब उनके द्वारा भी की गई। सीबीआई की ओर से भी बहस की गई, परंतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हुआ कि सीबीआई और तैयारी करके आए, समय दिया गया उन लोगों को। फिर अगली तारीख 8 जून रखी गई है, आगे बहस होगी। अभी तक तो सीबीआई की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है, केवल इतना ही भर वो लोग बता रहे हैं सस्पेक्ट है। क्या एविडेंस इन लोगों के खिलाफ है सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर पाई है कोर्ट में। कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीण डाक सेवक शुक्रवार को 10वें दिन भी हड़ताल पर अड़े रहे और डाक सेवाएं ठप रखा। अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े ग्रामीण डाक सेवकों ने शुक्रवार को भी डाकघरों का कामकाज ठप कराते हुए धरना प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल पर डटे ग्रामीण डाक सेवकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे डाकघर में कोई काम नहीं होने देंगे। दिन है हमारे जीडीएस
कर्मचारियों का हड़ताल का, केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान पर यह हड़ताल हो रही है और मैं AIPEU GDS NAP के प्रमंडल सचिव हूँ और संयुक्त मांगे क्या हैं आप लोग? हमारी मांगे कमेटी चंदा कमेटी की रिपोर्ट को अविलंब लागू करना 100%। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारा जो कितने दिन तक माने रिकॉल नहीं करता है। अनिश्चितकाल हड़ताल माने जारी रहेगी और ये हड़ताल जो है और हमारा पूरे GDS भाई 850 इस जिले में है सभी हड़ताल पर है 100%। जबकि विभाग दावा करती है कि कुछ परसेंट नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोलती है प्रशासन। हम लोग प्रशासन के विरोध में है, भूखे मर रहे हैं, भूखे मर। GDS इस विभाग का सबसे कमजोर तबके का कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह मात्र 9,000-10,000 पर खटवाई जाती है जो कि लेबर से भी कम है। जबकि सरकार ने कहा कि इस आजाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे बड़ा माने तोहिन की बात है कि GDS कर्मचारी को 9,000 पर कटवाया जाता है। हमारे SSP महोदय 10-20 बार खाता खुलवा कर जबरन मतलब काम करवाते हैं और कहते हैं कि आप माने काम नहीं करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा और मर्डर कोरे से मर्डर करने जो अंग्रेज के टाइम में जो लिया जाता था ड्यूटी उस ढंग से ड्यूटी लेते हैं। हाँ, कमलेश चंद्र चंगा रिपोर्टी का सातवां कमेटी का रिपोर्ट के एवज में लागू किया जाए, उसी के एवज में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे का क्या रणनीति आप लोग का? आगे का रणनीति यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे हड़ताल में। इसके लिए हम लोग को जान भी देना हो, मरना भी हो, देह में आग भी लगाना हो तो लगाएंगे, भारत सरकार को दिखाएंगे। उधर डाक सेवकों द्वारा कामकाज ठप कराए जाने के कारण डाक विभाग के अधिकारी परेशानी में पड़ गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वे काम करने कार्यालय में आ रहे हैं लेकिन हड़ताली कर्मचारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ग्रामीण डाक सेवक का हड़ताल चल रहा है 22/5/2018 से। इन लोगों को 7CPC का बेनिफिट नहीं मिला है जिसके चलते ये लोग पूरा डाक कार्य बाधित किए हुए हैं। इसमें डाक प्रशासन भी जोर लगाए हुए है लेकिन इन लोगों का मांग जो है केंद्र से मिलना है, इसलिए ये लोग पूरा प्रदर्शन में नंगा प्रदर्शन कर रहा है और कहीं से भी डाक का आवागमन ये लोग नहीं होने दे रहा है। कितने दिन नुकसान हो रही है डाक विभाग को इसका? इससे रोजाना लगभग हमारे ब्रांच का तो सारा काम ठप है। जहाँ 10 लाख का काम होता था वहाँ 4-3 लाख का काम हो रहा है और डाक का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। छात्राओं को भी परेशानी हो रही है, छात्राओं को उनका? हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, पासपोर्ट का नहीं आ पा रहा है, उनको न आधार बन रहा है न उन लोगों को पैसा मिल रहा है, सारे तरह की परेशानी है। विद्यार्थियों को तो कॉल लेटर तक नहीं मिल रहा है। लंगट बाबू विचार मंच के द्वारा LS कॉलेज सभागार में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की 6वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लंगट सिंह महाविद्यालय के सभागार में लंगट बाबू विचार मंच की ओर से स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की 6वीं शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुखिया अतिथि पूर्व मेयर समीर कुमार, होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शहादत दिवस में पहुंचे लोगों ने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपना पूरा जीवन अपने समाज को दिया और उन्होंने किसी के सामने झुके नहीं। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का जो स्वर्गवास हो गया था उन्हीं के पुण्यतिथि पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। किसान के लिए जीते जागते थे और जब 1995 का दौर था जो भाकपा माले जहानाबाद अलवर के क्षेत्रों में आरा के क्षेत्रों में जो आतंक मचा रखे थे उससे लड़ने के लिए जो उन्होंने जुनून और जज्बा दिखाया था और अंतिम दिनों तक लड़ते रहे और उनका मतलब कुछ चंद लोगों ने उनकी हत्या कर दी मगर वो आज भी मरे नहीं है। हमारे दिलों में आज प्रकट करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आयोजन में कितनी बड़ी सहभागिता है। 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद शुक्रवार को बैंकों के ताले खुलते ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में फंसे वरीय नागरिकों और पेंशनधारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बैंक कर्मियों के 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर 2 दिनों की बंदी के बाद शुक्रवार को बैंक खुलते ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में शामिल पेंशनधारियों के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा अलग से कोई व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। कई वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि बैंक में घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उनका काम हुआ।
अभी मिला है आपको तीन घंटा माँ को मिलता है, माँ का सामना करना पड़ रहा है, माँ को मिलता है। आज खुलने बैंक खुलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्या? परेशानी तो जरूर मिली है, परेशानी तो लाने भीड़ देख के आपको अनुमान लगा सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है। आज आप लोग को सैलरी मिलने वाली थी, उसके लिए कोई विशेष इंतजाम बैंक के द्वारा किया गया था? कोई इंतजाम नहीं है। कितने काउंटर खुले हुए थे? तीन काउंटर थे। इतनी भीड़ में मात्र दो काउंटर खुले हुए हैं, क्या लग रहा है कि उससे समय पर सभी लोगों को सुविधा मिल पाएगी? नगर की सड़कों पर नाबालिग ऑटो चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर ऑटो चला रहे हैं, परंतु यातायात पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिले में नाबालिग ऑटो चालक धड़ल्ले से बेखौफ सड़कों पर ओवरलोड यात्रियों के साथ ऑटो को दौड़ा रहे हैं। ना ही इन्हें कोई रोकने वाला है और ना ही इन्हें कोई टोकने वाला। जी हां, इन दिनों जिले में सभी ऑटो रूटों पर नाबालिग चालक ऑटो चला रहे हैं। इनमें बैठ रहे लोग आप जान हथेली पर रखकर सवारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ महीने पहले ओवरलोड ऑटो से कई दुर्घटनाएं घटी थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसके बावजूद जिला परिवहन विभाग द्वारा इन नाबालिग ऑटो चालकों पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। इन सवालों को लेकर सिटी न्यूज की टीम जिला परिवहन के एमबीआई के पास पहुंची। उनका जवाब आप खुद सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि नाबालिग ऑटो चालक और ओवरलोडिंग यात्रियों के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। और भी जिला बहुत सारे बर्फ है, अगर एक ही चीज पे हम लोग कंसीडर करते रहेंगे रेगुलर तो फिर और बर्फ कम कर पाएगा, दूसरे बर्फ हो नहीं पाएगी। जैसे कि हम लोग जांच फिटनेस जांच हो गई, ड्राइविंग टेस्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारा एक्सीडेंटल रिपोर्ट देखना है, पर जिले के और लाइन ऑर्डर देखना है, तो सारा वर्क देखते हुए करना पड़ता है। तो अभियान इसीलिए चलाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब ये गवर्नमेंट के रूल को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट का रूल ये है, तो केवल उसको समझाना पड़ता है कि ब्लैक शीशा नहीं लगाना। अब रेगुलर हम उसी चीज़ को करते रहे, हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगा के चलना है सबको इधर, तो रेगुलर अभियान चलना समझ रहे, गाँव भी वर्क देखना पड़ता है, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि हेलमेट पहन के चलाना गाड़ी, हेलमेट पहन। हम लोग अभियान इसलिए चलाते हैं कि ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए कि हेलमेट जरूरी चीज़ है, ब्लैक शीशा नहीं लगाना है, जानकारी के लिए अभियान चलती है। ऑटो के फिटनेस का कुछ दिन पहले चेकिंग चला था, उस समय शहर की सड़कों से आधा से ज़्यादा ऑटो गायब हो गए थे, फिर वो ऑटो उतने ही ऑटो सड़क पे आ चुके हैं, ऑटो नाबालिग चला रहे हैं, बाहर से अधिक लोगों को बैठा रहे हैं, बराबर उनका एक्सीडेंट भी हो रहा है, उस तरह उन पर कब कार्रवाई? तो बीच बीच में हम लोग अभियान चलाते रहते हैं और इस तरह के काम होते रहते हैं, पकड़ते हैं तो फाइन वाइन करते ही रहते हैं। और अभी जो हम लोग रेगुलर अभियान चल रही है वहाँ चांदनी चौक वाले जाम की समस्या जो रहती थी उस पर भी अभी कंसीडर किया, डीएम सर भी उस पर आदेश दिए हैं, अभी हम लोग उसी पर कंसीडर करके मिल गए, उस पर अभी अभियान चला रहे हैं। फोर व्हीलर पर सर कब अभियान शुरू होगा? वो लोग भी कभी सीट बेल्ट लगाकर कार नहीं चलाते हैं? उन लोग पर भी जब हम लोग अभियान चलाते हैं तो साथ में हेलमेट के साथ सीट बेल्ट का अभियान साथ ही में चलता है। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर एक पैसे की रियायत देने से आम नागरिकों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। पूरे देश में पिछले कई महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में खाने कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कल निजी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल की कीमत में एक पैसे पर लीटर की गिरावट की गई थी, जो आम लोगों के लिए जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए आम लोगों ने बताया, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। इसका खामियाजा मोदी सरकार को अगले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हम लोग डेली कमाने वाले हैं, डेली खर्चा करने वाले हैं, अब एक जो पैसा है चार पैसा का क्या असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, सब सरकार की जो है नाकामी है, सब सरकार टिकने वाला नहीं है, मोदी सरकार आने वाला नहीं है। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि लगातार पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव से आम लोग परेशान तो हैं, लेकिन प्रतिदिन के बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। कोई असर नहीं पड़ा था, जहाँ पहले उपभोक्ता 500 का तेल ले रहे थे, अभी 200-300 इस तरह का तेल ले रहे हैं, क्या बात है? किसी प्रकार का सुनिए, हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक पैसे की कमी की जा रही है, दो पैसे की कमी की जा रही है, तेल तो उपभोक्ताओं के साथ लग नहीं रहा है, कहीं मजाक हो रहा है? उपभोक्ता को परेशानी हो रही है, हम तो बैठे हुए हैं बेचने के लिए, हमें क्या पड़ता है?
तेल हम अपने लेते हैं तो लगता है कि बड़ा होगा। एक उपभोक्ता के नजरिए से बताएं, एक विक्रेता के नजरिए से नहीं, क्या घर के बजट पे भी आपके असर पड़ा है? असर पड़ा है। एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर के छाता चौक से लेलिन चौक तक साफ सफाई की और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा बुलंद किया। एनसीसी 32 बिहार बटालियन के कैडेटों ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत छाता चौक से लेलिन चौक तक साफ सफाई की तथा स्वच्छ भारत का नारा बुलंद किया। अभियान है ये पूरा स्वस्थ और सफाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ताकि बीमारियों से हम बच सके। चल रहा है CATC2। इस दौरान जो जितने 600 बच्चे हमारे पास क्लोज हुए हैं कैंप के लिए, तो ये अच्छा मौका था कि हमने योजना मतलब गर्म पत्थर से 32 बिहार NCC। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 763509137 763509137 763509136। जीनियस नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Vedic School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955457 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9531
8825587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहां सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अगरोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.nuz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर r93340088 9234908888 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को सवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2,00,000 की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें BPSD एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। और कॉन्टेक्ट नंबर 9905530331 और यू मे डायल 8986480196 9525338423। BPSD एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2,00,000 तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2,00,000 की जीवन बीमा निगम
निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहां नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। और कॉन्टेक्ट नंबर 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसटी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहां आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला आमगोला ओरियंट क्लब। आकर्षण है रेंजर झूला जो यूरोप से मंगाया गया है। यह झूला जो है मुजफ्फरपुर में पहली बार है, और यहाँ के जुआ ज्योतियाँ काफ़ी इसका आनंद उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ के लोगों से, भाइयों से, बहनों से निवेदन करूँगा कि एक बार मेला में आकर के मेला का आनंद उठाएं रेंजर झूला के साथ। धन्यवाद। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर 7463884603, 9006877392, 8539857777। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्पाद विभाग की टीम ने गायघाट के चक्की गांव में छापामारी कर 75 कार्टन विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गायघाट के चक्की गांव से गुरुवार की देर रात छापेमारी कर विनय यादव के मकान के पिछले हिस्से से 75 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 15 लाख रुपए की है। वहीं छापेमारी की भनक मिलते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक दीन बंधु ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध शराब के धंधे गायघाट के चक्की गांव में चल रहे हैं। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं शराब कारोबारी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सूचना के आधार पर गायघाट के चक्की गांव में शराब का स्टोर करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के टीम गठित करते हुए छापेमारी किया गया। छापेमारी में 75 कार्टन शराब जब्त किया गया, और विनय यादव जिसके घर के पीछे में ये शराब रखी गई है वो फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है ऊपर टीम के द्वारा।
मोतीपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रवादी विचार मंच के सदस्यों ने बैरिया गोलंबर पर धरना दिया। पिछले दिनों मोतीपुर के गांव में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रवादी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने बैरिया गोलंबर पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए मंच के संयोजक गौरव भारद्वाज ने कहा कि जिले में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। मोतीपुर में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को कई दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी पुलिस के गिरफ्त से अभी बाहर है। यदि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा। हम लोग मोतीपुर में जिस प्रकार हिंदू के घर में घुस के एक हिंदू बेटी का हाथ पैर बांध कर बलात्कार कर दिया जाता है मोहम्मद मिराज नामक एक विशेष समुदाय के लोग के द्वारा, और उसकी गिरफ्तारी अभी तक 60 घंटे से ऊपर हो गई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जिला प्रशासन का हाथ खाली है। और जब हिंदू विरोध कर रहे थे तो 10 से 15 निर्दोष हिंदुओं को जेल भेजने का काम जिला प्रशासन कर चुकी है अभी तक। क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द मोहम्मद मिराज नामक विशेष समुदाय के जो लोग हैं बलात्कारी हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एसकेएमसीएच में लेन देन के मामले को लेकर गार्ड द्वारा महिला टॉली मैन की पिटाई कर दिए जाने को लेकर तमाम टॉली मैन ने काम का बहिष्कार कर अस्पताल में हंगामा किया। लेन देन के मामले को लेकर एसकेएमसीएच के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और ट्रॉली मैन के बीच हुए विवाद को लेकर अस्पताल के सभी ट्रॉली मैन ने हंगामा करते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया। एसकेएमसीएच के एक गार्ड द्वारा महिला ट्रॉली मैन के साथ मारपीट किए जाने को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए गार्ड प्रभारी ने मामले में हस्तक्षेप कर हंगामा शांत कराया। 50,000 रुपया हम हुनका देले हती, हम बहिनो कने से खरीद इन भल लाख भल ने पैसा देले रही, काटके में गेलो तो पैसा ले ले हम से चुकी अभी के लिए। मांगे बेटा के तबीयत खराब है तो कहिए कि संतरे रुपया न जने छी लोकन पर किन को दिए सुशील के जे हमर सास के दुसान में बेजत तू कैला कैली नाम पूरा बता। अब पैसा न दिए कहि तू कैसे फरियाबे तोर पूरे रुपया न दे तो आज क्या किया है ये आज के बात न है। ओइला हम कहली कि जे गाय गुरु लिदे छे रुपया देबे अखनी मोहल्ले त न पैसा दे छे हम तो बेटा के तबीयत खराब है पैसा आज क्या किया है वही चले पिटाई के बाद शिकायत किए तो क्या बोला है? माफी मांगे तो माफ कर दी तो कर दिए माफ हम कबो माफ करे वाला। अखाड़ा घाट रोड में कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। अखाड़ा घाट रोड में कैरियर मंत्रा कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। संस्थान के संचालक ने फीता काट कर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस संस्थान में कुशल शिक्षकों के द्वारा बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। आज अखाड़ा घाट रोड कृष्णा सिनेमा के पास करियर मंत्रा का कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें बच्चों के भविष्य के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर कम्पिटेटिव नौकरियों के लिए जिससे रोजगार मिल सके अच्छे स्तर से ट्रेनिंग दिया जाएगा। और शहर के गणमान्य प्रोफेसर इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि आप इसमें इसका फ़ायदा उठावें और बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग लेकर के अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। सीतामढ़ी जिले की डायरिया पीड़ित बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो जाने पर मृतिका के परिजनों ने एसकेएमसीएच में जमकर हंगामा किया। डायरिया से ग्रसित इलाजरत बच्ची की मौत पर शुक्रवार को बच्ची के परिजनों द्वारा एसकेएमसीएच में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सीतामढ़ी जिला के भैरव कोठी निवासी मोहम्मद निकाइल अंसारी की पुत्री नाजिया खातून गुरुवार की शाम उल्टी और दस्त के शिकायत पर एसकेएमसीएच इलाज के लिए लाई गई थी, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासक के पहल पर मामले को शांत कराया गया। सुबह से गए कहने के लिए तो एक मरते आकर के देख लिए, दोबारा जो है एक मरते आने जब दोबारा गए कहने के लिए तो कहता जाके बेड पे बैठो खुद चले जाएगा। और उसके बाद जो अभी आया सुइया भी वो डॉक्टर लेके सुइया भी एक घंटा तो ऊपर हो गया, लेकिन सुइया भी नहीं पड़ा। क्या बोला है लोग? यहाँ बोला कि यहाँ जो है ना लिखा हुआ नहीं है, डॉक्टर आवेंगे लिखेंगे तब जाकर के देंगे। डॉक्टर भी लिख करके अपने से दिए हुए पर्ची और दवा अभी भी हमारे पास है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजराइल अंसारी। घर कहाँ हुआ? सीतामढ़ी जिला भैरवगढ़ी गाँव। कब भर्ती कराया था? कल
शाम में लमसम 8 बजे 8:30 बजे करेंगे। क्या होता था बच्चा का? बच्चा का जो है पेट झड़ता था और उल्टी होता था, बुखार लगता था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अहियापुर के वाड़ा जगन्नाथ गांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अहियापुर के बड़ा जगन्नाथ गांव से बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन एवं पशुपति डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से रैली निकाली। रैली को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उपस्थित स्कूली बच्चे बड़ा जगन्नाथ से अहियापुर होते हुए 0 माइल तक पहुंचे और आम जन से अपील करते हुए तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर यहां उपस्थित हमारे बड़ा जगन्नाथ पंचायत के मुखिया जी पति एवं उमेश शाह जी एवं यहां उपस्थित तमाम सदस्यगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तंबाकू बहुत ही जानलेवा है और आजकल हमारे भारत देश को लगभग 90 से अधिक लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। तंबाकू की हम सबों को एकजुट होकर जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना है। और आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।